तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लॉग में। इस वक्त मैं हूँ पंजिम में, गोवा की कैपिटल में, और जस्ट आज मैं पंजिम घूमने वाला हूँ, साथ में आप लोगों को भी घुमाने वाला हूँ। और मैं कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ, सबसे पहले मैं डोना पॉल जाऊँगा और वहाँ पे जहाँ सिंगम मूवी की शूटिंग होती है वहाँ हम घूमेंगे। दैन उसके बाद आपको ये क्रूज़ है, जो ये आपको क्रूज़ दिख रहे होंगे, ये रिवर है और इसमें जितने भी क्रूज़ चलते हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ। और उसके बाद हम जाएंगे एक जो फेमस चर्च है यहाँ पे, जो पंजिम सिटी के अंदर है, वहाँ भी जाएंगे। देन उसके बाद जो कलरफुल हाउसेज आप देखते होंगे, जो भी पंजिम सिटी में आएंगे, बहुत सारे कलरफुल हाउसेज हैं, वहाँ भी हम जाएंगे। और उसके बाद एक क्रूज़ चलते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ, अगर वहाँ भी मन हुआ तो एक मैं उसकी राइड भी करने वाला हूँ। तो चलिए फिर करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई मार्केट से थोड़ा सा नीचे चलने के बाद और मैं पहुंच चुका हूं खूबसूरत जगह में, जहां पे मेरे को सबसे अच्छी जगह लगती है पंजिम की। तो ये देखिए खूबसूरत सी रोड है यहां पे, और दैन इधर तो रोड है ही, और उसके बाद आपका ये नज़ारा देखिए आप, खूबसूरत है, ठीक है। तो ये है अपना कैसीनो प्राइड, वो है अपना बिग डैडी, ठीक है, बिग डैडी कैसीनो ये सब है। और ये अपना है कैसीनो प्राइड, दो है यहाँ पर, एक ये है कैसीनो प्राइड, एक ये है, और ये है आपका नया कैसीनो है कैसीनो मैजेस्टिक राइट समथिंग करके, ऐसा कुछ करके। और डेल्टिन है आपका, डेल्टिन रॉयल आई थिंक आपका इसके पीछे होगा कहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे आपका यही है कैसीनो यहाँ पे, जहाँ पे आपको यहाँ ये पेड कैसीनो है, यहाँ पे आपको 1500 रुपीज़ से लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, और 3500 तक आपको देने पड़ते हैं। और ये भाई एक ही जगह में खड़े रहते हैं, चलते वलते नहीं है, आप यहाँ जाइए अंदर कैसीनो वसीनो के लिए और सब कुछ आ जाइए। देन दूसरा चलता है वहाँ से, बोट है वो कोने में खड़ी है ना, उस वाले कोने में लास्ट में दिख रही हो आपको, वहाँ पे आपको अपना टिकट बुक कराना पड़ता है और वो बोट आपको पूरा घुमा दिए इधर। और बाकी ये गवर्नमेंट की तरफ से फेरी देख रहे होंगे आप, यहाँ से आप जाएंगे ऊपर जाएंगे, यहाँ से फेरी लेके आप आर पार कर सकते हैं इस नदी को। तो बस यही है, और अब यहाँ से बस लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं मीराबार बीच के नीचे, यानी कि डोना पॉला एक जगह है यहाँ पर, जहाँ पर सिंगम मूवी की शूटिंग हुई थी, मैंने आपको बता भी चुका है। तो वहाँ जाएंगे, यहाँ से लगभग 20 रुपये किराया होगा यहाँ पर से, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, और एक बिल्कुल क्रूज़ के पास से इस वाली जगह से। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे, मैं भी घूमूंगा, और देन उसके बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर चर्च में जाएंगे, इधर चर्च भी है ना, और जो भी होगा एक्टिविटीज़ अभी यहाँ पे पार्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब पंजिम सिटी अच्छी है, आप आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे, और पेड़ों की छाया तो है ही यहाँ पे। और बाद में ठीक है, बने रहिए फिर पंजिम में। वैसे ओल्ड गोवा भी है इधर, अगर आगे जाएंगे यहाँ से पंजिम आए तो ओल्ड गोवा भी जाना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम है या नहीं है, देखते हैं जो भी होगा। ब्लॉग में बने रहिए बस आप। तो इस वक्त अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बस का वेट कर रहा हूँ, जस्ट बस आएगी तो पहले मैं था उस साइड, जस्ट लोकल ऐसी वाली बस दिख रही है, ये लोकल वाली बस यहाँ पे चलती रहती है, और मैं इधर लेफ्ट में आ गया हूँ क्योंकि डोना पॉला है नीचे यहाँ से, और यहाँ से 6 किलोमीटर बता रहा है, लेट्स सी कितना रुपये किराया है यहाँ पर, देखते हैं। और देन बस में पहुँच कर आपको सीधा मिलता हूँ डोना पॉला में। तो भाई साहब बस से नीचे उतर चुके हैं, ये अपनी बस थी, इससे नीचे उतरे और यहाँ के दिए मैंने 20 रुपये किराया, और यहाँ तक ही जाती है, यहाँ से थोड़ा सा आपको पैदल जाना पड़ेगा नीचे, जहाँ तक आपको वहाँ पहुँचना है, जहाँ पे मैं आपको ले जाने वाला हूँ। तो यहाँ से कम होगा 100-200 मीटर होगा। चलिए फिर पैदल चलते हैं फिर वहाँ तक, फिर आपको भी दिखाते हैं। ये है रास्ता पैदल जाने का उधर, तो अभी हम जा रहे हैं डोना पॉल में के बीच साइड, डोना पॉल बीच। और दूसरी बात, अगर आपके पास स्कूटी है तो आप स्कूटी से तो पूरा डायरेक्ट अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन बस वाले आपको इधर ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है, आज अपन लोग, मैं बस से ही ट्रैवल कर रहा हूँ, स्कूटी मैंने ली नहीं, स्कूटी लेंगे किसी और दिन। तो ठीक है, तो बस धीरे धीरे चलते हैं फिर पहुँचते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं डोना पॉला में, और ये देखिए अभी तो यहाँ पर दुकानें वगैरह बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं, और ठीक है सब थोड़ी देर बाद खुलेंगी, लेकिन मुझे जल्दी आना था क्योंकि मुझे दुकानों से तो कोई मतलब था नहीं, अपने को मतलब था व्यू से, और व्यू में आप।
ऐसा है देखो, पहले ना उधर भी खुला था लेकिन अभी कुछ टाइम से इसको बंद कर दिया गया है। मतलब पिछले साल भी आया था, मतलब पिछले साल भी ये बंद था, पहले हम वहाँ तक जा सकते थे और जो सिंगम मूवी की शूटिंग हुई थी जस्ट वहीं है। और ये खंबे हैं, ये खंबे छोटे छोटे खंबे उधर उन्हीं को उखाड़ता हो, तो यहाँ से लेकर शूटिंग हुई थी वहाँ भी हम गए हैं, पहले गए हैं लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो फिलहाल तो बस यही है और थोड़ा सा ये व्यू ले लीजिए आप। बाकी इधर व्यू अच्छा आता है तो इधर भी इन्होंने दुकानें लगा ली है बहुत ज़्यादा, पहले दुकानें यहाँ पर थी नहीं। तो यार पिछली बार जब आए थे ना यानी कि 2017 में, तब काफ़ी अच्छा था, अभी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। दुकानें यहाँ पे वहाँ खोला नहीं है अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे पूरी जहाँ पे व्यू आता है यहाँ पे पूरी दुकानें लगा ली है। फिर भी थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं आपको, और जो व्यू है बस यही, यहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ खास है नहीं। अगर वो खुलता तो फिर थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। तो अब मुझे पीछे उधर ही जाना पड़ रहा है, यहाँ पर पूरी दुकान लगा दी है, यहाँ पर अच्छा व्यू आता था। लेकिन फिर ये जगह बची है जहाँ से थोड़ा सा व्यू आप ले सकते हैं, बाकी तो सारे उन्होंने दुकानें लगा दी। तो भाई देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ ज़्यादा कमाने के चक्कर में नुकसान भी होता है, यानी कि उन्होंने इतनी सारी यहाँ पर दुकानें लगा दी है और जिसके लिए यहाँ पे टूरिस्ट आता है ना व्यू पॉइंट के लिए, वो इन्होंने सारा कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा व्यू पॉइंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं बस यही बचा हुआ है, और अगर ऐसे ही होता रहा फिर यहाँ पर भी दुकानें लग जाएंगी तो कहीं व्यू पॉइंट बचेगा नहीं और टूरिस्ट बहुत कम आ जाएगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में, और दुकानें अगर आपको लगानी है इस साइड आप लगा सकते हैं, देन इस साइड आप सारी दुकानें लगाइए और इस वाली साइड आप पूरा खाली छोड़ दीजिए। देखिए पूरा आगे तक दुकान लगी है यहाँ से, और कुछ भी व्यू पॉइंट नहीं दिख रहा है। मतलब अब इतना सा छोटा सा छोड़ा है यहाँ से लेकर, मात्र यहाँ से लेकर और यहाँ तक छोड़ा है। तो यार यहाँ पे लोग कितनी फ़ोटो खिंचाएंगे, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए यहाँ पे गोवा गवर्नमेंट को इसके बारे में। बाकी ओवरऑल सब सही है और व्यू के नज़ारे लीजिए आप। समुंदर गहरा गहरा समुंदर यही है भाई, ठीक है। तो बस यही है डोनापॉल, और बाकी यहाँ पे आइए आप फ़ोटो वोटो खिंचा रही है, थोड़ा करीब से देखिए बोटिंग का क्या हिसाब किताब है सर। मे बी शायद बोटिंग भी हाँ ये है, इसके पैकेजेस होंगे अलग अलग, ये आप पता कर सकते हैं। वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, होगा इसका 300, 500, 700 समथिंग इसका ऐसे ही होता होगा, बोट राइड उधर से होती होगी वगैरह वगैरह जो भी है। तो फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, और मैं बस यही दिखाना था आपको। और फिर इसके बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ वापस पंजीम सिटी में, यानी कि जो चर्च है वहाँ चर्च दिखाएंगे आपको। देन उसके बाद कुछ और होगा तो वो भी दिखाएंगे, और क्रूज़ जो वहाँ पे ना मेन वो मंडवी रिवर वाला जो मेन पंजीम सिटी में क्रूज़ है उसकी राइड के बारे में पूछता हूँ, अगर सही हो जाएगी तो उसकी राइड भी मैं करने वाला हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई ये था डोनापॉल, और अब मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था यहाँ पे। जस्ट मैंने कितने 10 मिनट यहाँ पे बिताए होंगे, 10 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 7-8 मिनट बिताए होंगे मैंने, और कुछ है भी नहीं यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया ना दुकान में सब कुछ चौपट कर दिया है। तो वापस जा रहा हूँ मैं और वहाँ से बस पकड़ूँगा, देन दोबारा पंजीम सिटी, और उसके बाद आगे पंजीम सिटी में चर्च देखेंगे मेरे साथ। चलिए फिर चलता हूँ मैं वापस।